हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रेकिंग न्यूज़। इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट्स आ गया है। देर आर फ्यू कंपनीज़ जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं बहुत डीपली और बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। एक तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इन्फोसिस है और HDFC बैंक है, बिकॉज ये तीन FIIs के फेवरेट स्टॉक्स है और ये तीन स्टॉक्स हमारे निफ्टी का 30% वेटेज रखते हैं। सो अभी ऑन द फेस ऑफ इट जब आप हेडलाइन पढ़ेंगे जो मैंने ओपन किया है, प्रॉफिट ऐसे दिखेगा, प्रॉफिट जंप्स 10.9% टू 5,900 करोड़। नेट सेल्स जो है कंपनी के, दे हैव गॉन अप 10% YOY। ये YOY बेसिस, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए नंबर्स समझने में, दिस इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा ग्रोथ है 10%, 37,933 करोड़। अब इसमें थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन आपको दिखेगा। सेकेंड लार्जेस्ट IT फर्म है सेल्स के हिसाब से, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जून क्वार्टर जो है YOY तो मैंने आपको बताया। अभी इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है फॉर द क्वार्टर, ऑपरेटिंग मार्जिन स्टूड एट 20.8%, विच इज़ अप 80 basis points। यानी पहले 20% था, अभी 20.8% है, विच इज़ फाइन, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, फ्लैट ही है, Q1Q बढ़ा है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, एक जो डील उन्होंने लास्ट वीक अनाउंस किया था जिसके वजह से स्टॉक प्राइस देखो 100 रुपया ऊपर भाग गया, 100-120 रुपया, 9-10% भाग गया 2 हफ्ते में। दे हैड अनाउंस्ड अ लार्ज डील विंस, जो $2.3 बिलियन का उनको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डील मिला है। उस डील का जिक्र इस रिजल्ट्स में भी हुआ है और इन्होंने बोला है कि वो डील वेरी मच पाइपलाइन में है, मिल चुका है कॉन्ट्रैक्ट, अभी उस पर काम शुरू होगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके इन्फोसिस ने शायद थोड़ा डिसअपॉइंट किया हुआ होगा एनालिस्ट को और स्ट्रीट को। द IT फर्म हैज़ रिवाइज्ड डाउनवर्ड इट्स FY24 कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस। IT कंपनीज में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस को बहुत डीपली देखा जाता है। TCS के माने तो उसमें उन्होंने फ्लैट ही दिया था इस बार, फिर भी वो स्टॉक ऊपर चला गया। इन्होंने FY24 कांस्टेंट करेंसी का जो टॉप लाइन यानी रेवेन्यू गाइडेंस है उसको 1-3.5% रखा है, कंपेयर टू पहले उन्होंने कहा था 4-7% होगा, जिसपे वो स्टॉक एक ही दिन में 10% नीचे गिरा था। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे अप्रैल में जो आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के अगले दिन इन्फोसिस का स्टॉक 12% नीचे गिरा था, 10-12% एक दिन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था ये कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस 4-7% होगा पूरे साल का, अब उसमें और डाउनवर्ड प्रोजेक्शन गाइडेंस दिया है। वो जो 4-7% मिलने वाला था वो अब 1-3.5% तक का रह गया है। इसका मतलब ये हो सकता है, हिडन बिटवीन द लाइंस एज पर एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, कि कंपनी के बहुत सारे कोई ना कोई डील क्लोजर्स कैंसिल हुए होंगे, कोई डील उनको उम्मीद होगी वो मिलने वाली होगी, वो हाथ में नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ कंपनी, मतलब इनके कस्टमर्स ने थोड़ा बजट्स कट किए होंगे। IT बजट सबसे पहले कट होते हैं इन रिसेशनरी टाइम्स में, और थोड़ा डाउनटर्न में इस तरह की खबर आती है, तो वेरी श्योर कि कुछ मार्जिन कट हुआ है उस वजह से इसका। इन्होंने एक चीज़ और अच्छी की है जो मैं अच्छा बुरा दोनों आपको बता दूँ, EBIT मार्जिन गाइडेंस 20-22% रखा है, EBITDA जो है वो सेम रखा है। अब कुछ ब्रोकरेजेस ने एंटिसिपेट किया था दैट ये लोग रेवेन्यू गाइडेंस कम करेंगे कांस्टेंट करेंसी का, बट ये 1-3.5% इज़ बहुत नीचे। अब पता नहीं कल सुबह आप देखो, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इसका स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। अट्रिशन का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग द कंपनी इन अ कैलेंडर ईयर, वो काफ़ी कम हुआ है इन्फोसिस का, थैंकफुली, ये बहुत अच्छी बात है। अट्रिशन रेट जितना कम हो एम्प्लॉय कंपनी में उतना ज़्यादा टिक रहे हैं। सो एक मुझे याद है लास्ट ईयर इन्फोसिस का अट्रिशन रेट 27% तक चला गया था, विच इज़ वेरी हाई IT इंडस्ट्री में। सबसे बेस्ट अट्रिशन रेट यूजुअली TCS का होता है, सबसे कम लोग छोड़ते हैं TCS। इन्फोसिस का भी अभी लास्ट क्वार्टर 20.9% था और अभी और कम होकर 17.3% उन्होंने रिपोर्ट किया है। सो फ्रॉम ईयर ऑन ईयर 28% अट्रिशन टिल YOY 17.3%, गुड जॉब। ये बहुत अच्छी बात है कि पीपल आर स्टिकिंग विद द कंपनी, पीपल आर नॉट लीविंग जॉब्स। अब कॉमेंट्री अच्छी दी है सलिल पारेख जो इनके CEO हैं, उन्होंने, देखिए मैं आई विल रीड आउट व्हाट ही सेड, क्योंकि कभी कभी मार्केट में स्टॉक प्राइस
सीईओ के कमेंट्स और कमेंट्री पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं बनिस्पत इसके कि वो रिजल्ट के नंबर्स पे। जैसे एचसीएल टेक में भी यही हुआ, काफ़ी नीचे गिरा एक दिन लेकिन फिर बाद में वो एकदम भागने लगा स्टॉक। तो आई कोट मिस्टर सलिल पारेख एंड ही सेज, कोट एंड कोट, वी हैड अ सॉलिड Q1 विद ग्रोथ ऑफ 4.2% एंड लार्ज डील्स ऑफ $2.3 बिलियन विच हेल्प्स अस टू सेट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ये वही $2.3 बिलियन AI का एक ही बिगुल ये लोग बजा रहे हैं। अवर जनरेटिव AI कैपेबिलिटीज आर एक्सपांडिंग वेल विथ 80 एक्टिव क्लाइंट प्रोजेक्ट्स। बहुत बड़ा नंबर है ये। टोपैज विच इज़ आर कॉम्प्रिहेंसिव AI ऑफरिंग इज़ रेजोनेटिंग वेल विद द क्लाइंट्स। सो दिस इज़ गुड कॉमेंट्री। वी सी दिस बींग ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर क्लाइंट्स एंड एनहांसिंग आर ओवरऑल सर्विस पोर्टफोलियो। एंड मिस्टर पारेख कंटिन्यूज, वी हैव एक्सपांडेड द मार्जिन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम विद अ होलिस्टिक सेट ऑफ एक्शंस फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म वर्किंग ऑन आर की एरिया सपोर्टेड बाई आर लीडरशिप टीम। ये तो ज्ञान सब बांटते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है, इन्फोसिस का जो रिगरस ऑपरेशनल डिसिप्लिन है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो ये लोग करते हैं, ये लोग कॉस्ट पे बहुत टफ रहते हैं, दैट विच इज़ वाई आई लाइक द कंपनी सो मच मोर देन TCS। मैं हमेशा कहता हूँ अगर मुझे जॉब करना होता तो मैं TCS में जाता, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है IT कंपनी में तो मैं डेफिनेटली इन्फोसिस में, कंपेयर्ड टू टू बिटवीन द टू इन्फोसिस में करूँगा। सो देयर रिगरस ऑपरेशनल डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी मेजर्स, हायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मार्जिन्स, उसके वजह से फ्री कैश कन्वर्जन जो है कंपनी का वो 96.6% ऑफ नेट प्रॉफिट पे है, विच इज़ वेरी हाई। नेट प्रॉफिट का 96.6% इज़ द फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन, विच इज़ अमेजिंग नंबर, मतलब ये अनपैरेलल नंबर है। तो ओवरऑल अभी वॉट नेक्स्ट फॉर इन्फोसिस, इन्होंने थोड़ा ना सब अच्छा किया लेकिन अभी एक लास्ट में जाते जाते वो शोले में डायलॉग था ना, एक गलती की आपने ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोल के दिखा दी, वही वैसा ही कुछ काम इन्होंने कर दिया है। जाते जाते इन्होंने अपना गाइडेंस जो डाउनग्रेड किया ना, कि यार अगले साल इतना कुछ ब्राइट पिक्चर, विच इज़ गुड, मतलब दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि उनको थोड़ा दिक्कत दिख रही है तो उन्होंने बताया, लेकिन फाइन प्रिंट में अभी निकलेगा कौन से ऑर्डर कैंसिल हुए, कितने कस्टमर्स ने ऑर्डर कैंसिल किए एंड ऑल ऑफ दैट। कुछ ना कुछ इनका बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ होगा, सो दे हैव रिवाइज द गाइडेंस। लेकिन नाउ सी, इट्स कम्प्लीटली अप टू द इन्वेस्टर्स हाउ दे रीड दिस, बिकॉज कल फ्राइडे है 21 जुलाई, कुछ भी किसी भी तरफ ये स्टॉक जा सकता है। ये हाई वॉलेटाइल हाई बीटा काउंटर है, हो सकता है 5% नीचे खुलने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। 200 डे मूविंग एवरेज 1430-1440 के आसपास है, तो अगर वो तोड़ेगा तो और नीचे गिर सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर उसने कल सपोर्ट लिया तो फिर 50-60 पॉइंट 3-4-5% ऊपर भी आ सकता है, बिकॉज अच्छे नंबर्स हैं लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस कांस्टेंट करेंसी का फ़िलहाल जो इस क्वार्टर में दिया गया पूरे साल का FY24 का, वो बहुत कम किया है। तो कंपनी ने बोल दिया इस बार तो हम बच गए, लेकिन अभी आगे आपको तिजोरी खोल के दिखा दी, तिजोरी में माल बचा नहीं है। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कंपनी अच्छी है बट देखते हैं हाउ इट ग्रोज, इट्स एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी टू सी द स्टॉक प्राइस। मिलते हैं, टेक केयर, कीप प्रॉफिटिंग गाइस।